अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर, फुरके न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये खबर। ओल्ड सिटी मीरचौक टीआरएस भवन में आज लोगों ने टीआरएस भवन का घेराव करते हुए वहां पर एहतजाज किया। हुकूमत से मिलने वाले 10,000 रुपए जो आवाम तक नहीं पहुंचे, लोगों ने ओल्ड सिटी टीआरएस भवन का घेराव करते हुए नारेबाजी की और टीआरएस XMP रशीद शरीफ साहब ने आवाम को भरोसा दिलाया कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करके उनका हक दिलाएंगे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुजाहिद की ये खसूसी रिपोर्ट 4K न्यूज़ हैदराबाद। पहले वाले यहाँ पर बारिश से कितनी तबाही हुई, कितना क्या हुआ। यहाँ के लीडर तो बोलते हैं, यहाँ के लोग पूरे स्लम एरिया को दे रहे, KCR साहब बोल रहे, लेकिन यहाँ पर सैंक्शन करने के लिए बोल रहे हैं नहीं। बीच वाले खा लिए कैसे कि देख रहे आप लोग हालात कैसे है, सब सबके बुढ़े लोग हर चीज़ कैसा हो रहा, सब जने देख रहे, फिर भी पार्टी के लोग ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। मीराला मंडी के लोगों को बहुत ये कर रहे हैं, हम ना पूरे मिलके ऐसा बीच वाले लोग खा लिए बोल के ऐसा बोल रहे, तो हम लोग पूरे मिलके यहाँ पर आए TRS ऑफिस मीराला मंडी के सामने बोल के, फिर अब पूरा KCR साहब कुछ भी ऐसा हम लोगों के लिए अच्छा डिसीजन लिए तो अच्छा रहता, पूरी आवाज उससे भी कुछ भी होता पब्लिक का। जावेद भाई नहीं मिल रही, खाली उन्होंने बोल रहे यहाँ के लोग हाई फाई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, ना घर के सामने रोड डाले, ना कुछ करे, ना एजुकेशन के लिए इन लोगों को ये कर रहे, ना पानी भर गया, तो ऐसा पूरा स्लम एरिया से भी बढ़ के हो गया मीराला मंडी एरिया। एरिया पुलिस लाइन की हनुमान गली है ना, वहाँ पर यही सबको पैसे मिले, वहाँ उधर के लोगों को पैसे नहीं दिए, उधर का है नहीं बना कोई भी गए, मगर लोग नहीं है, इधर का है नहीं। आप लोगों का बोल रहे हैं, अभी आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे? पैसों के लिए ये कैसे आके तो दे दिए, बने उधर से निकल गए, हम लोग को नहीं दे रहे। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? अभी दियो सबको, दियो पैसा बोल के, बस हर घर घर पे आओ, आके दियो हम लोगों को भी, हम लोग भी गरीबी थे ना, पानिया घुस गए। TRS ओल्ड सिटी भवन का जो तकरीबन 400 से 500 औरतें और आदमी आगे जो घिराव करे है, मैं समझता हूँ 6 साल की जिंदगी में हमारी पहली बार ऐसा हुआ है। और जबकि हर तरीके से हमारी हुकूमत KCR साहब आप लोगों का साथ दिए, चाहे वो आसरा मुबारक हो, चाहे वो शादी मुबारक हो, चाहे घरों के बारे में हो, कई ऐसे स्कीम आप लोगों के लिए है। आज जो पैसों के लिए जो आप लोग परेशान है, पानी घुस गया, इसके लिए भी KCR साहब पैसे दिए हुए हैं, हर एक को 10,000 रुपये जिसको नुकसान हुआ, अब थोड़ा सबर से मिल रहे हैं। बात शिकायत ये भी आए कि है तो सिर्फ हमारे को 2,500 रुपये मिले, बात ये बोले कि हमारे को सिर्फ 5,000 रुपये मिले, 5-10 को दिए उसके बाद चले गए, हमारी गली में अभी तक नहीं आए, तो सबको नुकसान, ये हमारे को एहसास इस बात का है, गवर्नमेंट को एहसास है, आप लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, मैं जानता हूँ ये चीज़ को, मैं आप लोगों के साथ ही रहता हूँ, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी हो, TRS ओल्ड सिटी भवन आपके साथ है, ये आप लोग जानते हैं, हर तरीके से मदद हुई यहाँ से, आपकी तरफ से मदद हुई हमारे को, हम लोगों को बस अल्लाह, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, आप लोग परेशान, यहाँ पे कई लोग आके ये बोल रहे हैं कि भाई हम MIM के हैं, हमारे फॉलोअर्स को देंगे, हम हिंदू को नहीं देंगे, हम हमारे TRS के लोगों को, दूसरे पार्टी, वैसा कुछ नहीं है, ये पैसा सिर्फ TRS गवर्नमेंट का है, KCR सब मदद कर रहे हैं, ये थोड़ा सबर करो, इस तरीके से ऑफिस में घुस जाना, इस तरीके से घर गलत बातें करना, ये इसमें हमारा क्या कसूर है? हम एक जिम्मेदारी MIM को दे चुके, एक हम जिम्मेदारी है सो हमारी फ्रेंडली पार्टी को दे चुके, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसका नोट हमारे बड़े लीडर्स ले रहे हैं, KTR साहब ले रहे हैं, महमूद अली साहब ले रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक अच्छी बड़ी जगह हर एरिया में, मैं भी बोलूंगा वो लोगों को, ऐसा रोडों पे बैठ के बांटना, रोडों पे पब्लिक आते भाग जाना, ये बिल्कुल मस्खरा बना हो रहा है। अच्छी जगह लेके, एक बड़ी जगह है, छोटा शादी खाना लेके, वहाँ पे जो एरिया है, डिवीजन है, उन लोगों को बुलाए और हाथ में उनके पैसा दे, ये मैं हमारी गवर्नमेंट से भी बोलूंगा,
इस तरीके से काम करे तो सबको पैसा मिलने वाला है, कोई नाराज नहीं रहता। अगर बीच में जो चोरा घुस गए, बीच में जो बट्टेबाजा घुस गए, अरे ये लोगों को तो छोड़ो रे तुम, ये मासूम लोगों को तो छोड़ो। इसमें ना हमारा MIM का MLA इन्वॉल्व है, ये मेरे को मालूम है, ना कॉर्पोरेटर इन्वॉल्व है, ये सब जो बीच के डल्ले है ये वो लोग हैं। और अगर इस तरीके की अगर हरकत करते रहेंगे तो बराबर हमारी गवर्नमेंट सीरियस एक्शन लेंगी। तुम लोगों को पैसे मिलने दे, लोगों को ये उनका हक है। बड़े तकलीफ से कई लोग आते जा रहे ओल्ड सिटी भवन को, साहब हमारा घर लूट गया, हमारा सामान लूट गया, शादी का सामान लूट गया, पैसे लूट गए, पेपरा लूट गए, कई लोग हैं सो उनका पूरा सत्यनाश हो गया उनका। तो ये चीज 10,000 रुपए कोई अहमियत ही नहीं है, इनके नुकसान के सामने 10,000 की कोई अहमियत नहीं है। वही 10,000 कैसे ये लोग 8-8 दिन से फिर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। ये लोग 8-8 दिन से गुहार लगा के फिर रहे, उनके पीछे जा रहे, इनके पीछे 10,000 की कोई औकात है इनके नुकसान के सामने? और हमारी पार्टी को इनको इनके साथ अच्छे, हमारी पार्टी को और MIM को भी इनके साथ अच्छा सुलूक करना है। गैर गलत बातें झिड़कियां ये वो काम आपका नहीं है, हम एक आप पे भरोसा करके आपको पैसा दिए, इनके साथ अच्छा सुलूक करो, कोशिश करो हर गली गली पहुंच के हर एक को पैसा मिले। शुक्रिया। पानी पूरा ऐसे आता ऊपर, कोई लीडर आता नहीं, कोई लीडर देखते नहीं, रोड पर से पूरा पानी अंदर आ रहा, पूरे छोटे छोटे बच्चे पूरे अंदर आ रहे, कैसे रहते पूरे अंदर जाके पूछना समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो तुम्हारा एरिया को लीडर बोल दे, हमारे को ऐसे तो नहीं देते, अकाउंट में डालिए, हमारे अकाउंट है। दो चार घर देखे आते हैं, बाद में आते हैं, वहीं ठहरो बोल रहे हैं, लोग पकड़ के लेके चले रहे दादा लोग, मैं नाला खोलिए पानी में भर जाना, कपड़े वपड़े सब कमरे में पूरे क्या करेगा नाला दबर बना उनका, ये हालत हो गई है, ये मेरे लोग ये हालत हो गई। गफूर बस्ती है हमारा, महिला पूरा पानी से घर भर का दिए नहीं हमारे, एक ढेला नहीं, हमारे को पैसे दे देना भाई, हमारे बर्तन वो चले गए, हमारे को कोई दे एक नौकरी नहीं दिया। हाँ